बिग बॉस का हैप्पी क्लब तो अब अनहैप्पी हो चुका है, लेकिन इसी बीच घर की कैप्टेंसी के टास्क के दौरान श्रीसंत ने अपने क्रिकेट करियर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। असल में श्री का ये खुलासा आईपीएल के पहले सीजन में हरभजन के थप्पड़ मारने से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने खुलासे में ये क्लियर कर दिया है कि उसमें मेरी गलती थी, ना कि हरभजन सिंह की। इस दौरान श्री सुरभि राणा से इस घटना के बारे में बात करते हुए कहते हैं, मामले को ज्यादा बड़ा चढ़ा कर पेश किया गया था। हरभजन ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा था, उन्होंने जस्ट एज अ ब्रदर मुझे समझाने की कोशिश की थी और गुस्से में उन्होंने हाथ से जस्ट मुझे हिट किया था, ना कि थप्पड़ मारा था। आप उसे थप्पड़ नहीं कह सकते, श्री ने कहा। मैंने ये वीडियो ट्वीट की थी लेकिन कारणवश ये वीडियो मुझको डिलीट करनी पड़ी, मगर मैं आप सबको, दुनिया वालों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं हरभजन सिंह को एज अ ब्रदर बहुत प्यार करता हूँ। उनकी वाइफ और उनकी बेटी सबके लिए मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। दरअसल आईपीएल के पहले सीजन में श्री पंजाब टीम का हिस्सा थे, जबकि हरभजन सिंह मुंबई टीम का हिस्सा थे। मुंबई और पंजाब के बीच हुए मुकाबले में हरभजन की टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच के खत्म होने के बाद श्री मैदान पर रोते हुए नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि हरभजन ने मुझे थप्पड़ मारा है। सुरभि को इस घटना का सच बताते हुए श्री ने कहा, जिस तरह से हरभजन ने हाथ आगे बढ़ाया था वैसे मुझे थप्पड़ लग ही नहीं सकता। हाँ, मैं जानता हूँ उस घटना में मेरी गलती है और मैं ओवर एग्रेसिव हो गया था। चलो 10 साल बाद ही सही, इस घटना का सच तो सामने आया और हो सकता है कि श्री के फ्यूचर में उनके क्रिकेट करियर के लिए अच्छा साबित हो जाए। लेकिन इस वीडियो से श्री ने पूरी दुनिया को ये साफ कर दिया है कि उनके और हरभजन के बीच कोई मनमुटाव नहीं है। वो आज भी वैसे एक बड़े भाई की तरह ही हरभजन की रिस्पेक्ट करते हैं। वेल डन श्री, रिस्पेक्ट योर थॉट्स। वैसे श्री ने तो अपनी तरफ से सारा खुलासा कर दिया, लेकिन इस बारे में हरभजन सिंह क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए यूजर्स ट्वीट करके उन्हें कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वेल, अभी तक हरभजन सिंह ने श्री के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। वेल, अगर श्री की बातों का पता चलता है उनको, तो हरभजन सिंह की क्या राय होगी ये तो भाई वक्त ही बताएगा। लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। एंटरटेनमेंट डेस्क, पंजाब केसरी टीवी।